तो दोस्तों जो अभी हम दिखा रहे हैं जिस आदमी को अभी हमने बचाया, उसका ये नहीं पता वो बचेगा या नहीं बचेगा, क्योंकि हालात बहुत ज्यादा खराब है। पर हम मौके पहुंच गए, ये गाड़ी है उसकी। नई और पुरानी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों अभी अभी एक कॉल आई है, कोई आदमी गिर गया है और नहर के अंदर, उसकी गाड़ी वहाँ आदमपुर वाले पुल के ऊपर खड़ी है और हम गंडाखेड़ी से जा रहे हैं, दौड़ते हुए देखते हैं तो वो आदमी जिंदा है या नहीं है। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहना, इसके बारे में जरूर बताएंगे, कोई आदमी नहर के अंदर गिर गया, हम भागे भागे उसकी जान बचाने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को देखते रहना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करते रहना। चलो दोस्तों वीडियो के अंत में बात करेंगे, पर पहले जाकर उस बंदे की जान बचा लेते हैं किस तरह क्या है, फिर हम आपको वीडियो के अंत में बात करेंगे कौन है क्या, पूरी जानकारी देंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम आशु मलिक है, मैं गोताखोर पटियाला पंजाब से। तो अभी अभी कोई बंदा है बेचारा जो जांबे गांव जिला फतेहगढ़ साहब का रहने वाला है, वो पीछे यहाँ 4 किलोमीटर ना कुल्हा आदमपुर वहाँ से जंप कर गया किसी कारण। अब इसका कारण का पता नहीं लग पाया, पर काका जो गोताखोर है उसने यहाँ पे आके साधुगढ़ वाले पुल पर उसको निकाल लिया है। निकाल के अभी हमने उसका पानी पुनी तो निकाल दिया जो था शरीर के अंदर, अब उसको गाड़ी के अंदर रखवा के हॉस्पिटल के अंदर गया। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बढ़े ना, इस वीडियो को पहले पूरा देखो, बाकी बातें हम वीडियो के अंत में करेंगे। इधर देख भाई, बूट खोल पहले, बूटा दे तैयार, खेती का सपना रख, खोल दे बूट, बूट खोल दो बूट इसका, बस फोन का पा नमला पान के नहीं कर दबा पहले पेट दे छाती दे पूरी से बना उन दबा बात आ रही है हां अटिया के नहीं नहीं आ रहे हैं सांस चल रहा है यहाँ पे एक बंदा छाल मार गया था और ये इसको बाहर निकाल गया, हमारे टीम की ओर से बाहर निकाल लिया गया है। और यहाँ पे हमारे जो गोताखोर है आसू भाई, मशहूर गोताखोर है पटियाला का, हम 3-4 गोताखोर यहाँ पे मौके पे पहुँच गए, अब इनको चेक कर रहे हैं जो ये जिंदा है कि डेड है। तो आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो के साथ बने, और मौके पे इनका फैमिली भी साथ में पहुंच गया यहाँ पे, बहुत जल्द इनका पता लगे। और ये बंदा है देख सकते हैं आप, और पब्लिक काफ़ी इकट्ठा हो चुकी है यहाँ पे। आए कुछ सांस चल रहा है, एक मिनट गाड़ी में, तो इसको गाड़ी में रख लो, चलो चलो चलिए ये कौन सा गांव है? भूचरा। तो दोस्तों ये भूचरा गांव बताया जा रहा है, जिला फतेहगढ़ साहब लगते हैं इसका, आप देख सकते हैं। ये कोई बात नहीं, हमारे गोता को टीम है ना, इनके वीडियो बनाना पड़ते हैं। कितनी देर की बात है ये अंकल जी, कहाँ से? पिछले पुल किसने लगाया? चलो चलो जल्दी ले जाओ इसे फटाफट अस्पताल में। चंडीगढ़ का बंदा है, ये चंडीगढ़ का बंदा है, ये देख सकते हैं इसको निकाल लिया गया, सांस चल रहा है इसका हौली हौली, और इनको अभी अस्पताल में लेके जा रहे हैं, वहाँ पे इसको ऑक्सीजन लगवाया जाएगा। कौन सा पिंड का था बंदा? चांपुर। चांपुर पिंड का था, चांपुर का है ये, बिल्कुल के पास गेट लगता है। मेरी की गल होगी, कि बंदा उड़े क्या जा,
बहुत आ रहा, पूरा फ्रेम आ रहा। फोन आया ये सराय बंजारे यहाँ पे मिल गया, अपना साधुगढ़ वाले पुल पे मिल गया। ये बंदा काका जो हमारा है उसने इसको बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद काटा है, अभी इसकी देखो सांसें चल रही है, हॉस्पिटल ले आ रहे हैं। जरूर बताएंगे इसका बंदे क्या हुआ, अभी हॉस्पिटल ले गए हैं हम, वीडियो के अंदर बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जो अभी हम दिखा रहे हैं जिस आदमी को अभी हमने बचाया, उसका ये नहीं पता वो बचेगा या नहीं बचेगा, क्योंकि हालात बहुत ज्यादा खराब है। पर हम मौके पहुंच गए, ये गाड़ी है उसकी, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जो भाई था मेरे साथ काका ये ना, जिन्होंने अभी उसको निकाला है, हम दोनों पीछे यहाँ तक पहुँच गए, साथ में मेरे राजीव कुमार गोता छोड़ दिए। ये देखो ये गाड़ी का नंबर है, ये गाड़ी का नंबर है, एक बार गाड़ी का नंबर दिखा दे बेटे आपके से आके, ये बिल्कुल नज़दीक से दिखा दे। ये गाड़ी का नंबर है देखो, इस नंबर की गाड़ी, इसको भी हमने निकाल के हॉस्पिटल के अंदर भेज दिया, और पुलिस मुलाजिम के साथ में, और गाड़ी के ऊपर ही देखो कुछ सामान है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। गाड़ी लॉक है, चार गाड़ी लॉक है, पर अंदर देखो चेकबुक पड़ी है, आधार कार्ड, वो शर्ट पड़ी है उसकी, देखो सारा सामान अंदर जो भी है, इसके मोबाइल पर्स जो भी सामान है देखो अंदर रख के गया हुआ है। गाड़ी चारों तरफ से लॉक है, गाड़ी बिल्कुल लॉक है दोस्तों। मेरे ख्याल शायद चाबी उसकी जेब के अंदर ना हो भी, मेरे को चाबी के बारे में पता नहीं है, और फिलहाल तौर पर गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, ये लवारी खाना अपने आ जाए। एक मिनट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, ये देखो ये निशान है उसके, देखिए यहाँ स्लिप होकर गया हुआ है, इस जगह पे निशान बने हुए हैं जो स्लिप होकर गया हुआ है, और यहीं से उसने शायद जंप करा है, निशान बने हुए हैं उसके यहाँ स्लिप के। अब दुआ करो ऊपर वाले से, शायद उम्मीद है कि उसकी जान बच जाए बेचारे की, ठीक है। सामने आ जा राजीव, इधर आ जाए तू कच्चे। तो दोस्तों आप लोगों से अपील है, दुआ करो ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु से इस बेचारे की जान बच जाए। अब रब जाने इसको क्या प्रॉब्लम थी, क्या दिक्कत थी, वो रब जानता, हमें नहीं पता, और वो किस कारण गिरा हमें ये कारण का भी नहीं पता। लेकिन जब हमारे पास फ़ोन आया था, देखो यहाँ से कम 25 किलोमीटर तो होगा जहाँ बैठे थे गंडागिरी, 25 किलोमीटर लमसम 25 किलोमीटर दूर से हम मोटरसाइकिलें अपनी स्कूटियाँ भगाते हुए आ रहे हैं, हमारे को चोट लगे फेट लगे रब जानता है हमारे साथ क्या होता हादसे में। जंगलों के अंदर पूरी स्पीड से हम भागते हुए आए हैं, आके उसको हमने यहाँ से 4 किलोमीटर फिर भी चला गया, हमने आके उसको कवर करा, कवर करने के बाद में फिर वो जो वहाँ के लोग थे उन्होंने, कुछ लोगों ने उसको पहचान दिया, जब हमने उसको निकाला उसके गाँव के कुछ लोग थे उन्होंने पहचान लिया, वो तुरंत बेचारे गाड़ियाँ गुड़ियाँ ले के और भीड़ लग गई, उसके बाद उसको लेके वो हॉस्पिटल में गए हैं। हमने बोला हमारे से बात मत करो, सबसे पहले इसको हॉस्पिटल में ले जाओ ताकि इसकी जान बच जाए, क्योंकि ना उसकी जान बचानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी, इसलिए हमने सबसे पहले उसको हॉस्पिटल के अंदर भेज दिया। तो इसी तरह हमारे जो गोताखोर रोज़ अपनी जान के ऊपर खेल के लाखों लोगों को अब तक बचा चुके हैं, हज़ारों डेड बॉडियां नहरों से निकाल चुके हैं, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी हमारे चल रहा है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करते रहना, और जब भी कोई इस तरह का कोई हादसा या कोई आपको लगता है कि आपको गोताखोर की ज़रूरत है, डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर, डिस्प्ले के ऊपर भी हमारे नंबर चला, आप इन नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हो, हमारे जितने भी गोताखोर हैं आपके हेल्प के लिए सदा खड़े रहेंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर एक नई कहानी एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, अलविदा।